तो हमारा पहला अपडेट है ड्रैगन बॉल जी काई से लेकर। तो गाइज ये एक रिमाइंडर अपडेट है, तो भूल से भी यार इसे आज मिस मत करना। आज ड्रैगन बॉल जी काई के न्यू एपिसोड्स आने वाले हैं कार्टून नेटवर्क इंडिया पर दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और आज एपिसोड नंबर 123 भी आने वाला है। और आज के एपिसोड में बू भी यार सील से रिलीज होने वाला है, तो उसे जरूर देखना, मिस मत करना। हमारा दूसरा अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया से। गाइस आपको यकीन नहीं होगा लेकिन कार्टून नेटवर्क इंडिया ने मुझे सामने से मैसेज किया। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ यार मुझे मैसेज किया है, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात किया तो उनको कार्टून नेटवर्क इंडिया की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया। कुछ ही गिने चुने क्रिएटर्स को ऐसा मैसेज आया है, और इस मैसेज में मुझे कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ड्रैगन बॉल जी काई के टीआरपी के बारे में भी बता दिया कि उसको कैसी टीआरपी मिल रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने मुझे क्या मैसेज किया था। उसने मुझे कहा, एनिमे फैंस असेंबल, दैट्स राइट, अब कार्टून नेटवर्क भी एनिमे फैंडम का हिस्सा है। आफ्टर द मेगा सक्सेस ऑफ ड्रैगन बॉल जी कामेहामेहा टू यू टू, We are proud to present you My Hero Academia on CN, that too in 5 different languages. So are you ready to unleash your inner hero? We want you to spread the word to every anime fan out there. That's not all. Exciting hampers are up for grabs since we are hosting a fan contest for heroes on that day of the launch. Stay in touch for more on that soon. For now, looking forward to make this grand release a grand success with your help. तो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आए उनके लिए मैं हिंदी में बता देता हूँ कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने मुझे क्या कहा। तो कार्टून नेटवर्क इंडिया ने मुझे मैसेज करके कहा कि एनिमे फैंस, अब वक्त आ गया है हमें एक साथ आने का। हाँ सही सुना, अब कार्टून नेटवर्क भी एनिमे फैंडम का हिस्सा बन गया है। ड्रैगन बॉल जी काई के यार इतना बढ़िया सक्सेस के बाद हमें बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि हम ला रहे हैं माय हीरो एकेडमिया कार्टून नेटवर्क पर, वो भी अलग अलग लैंग्वेज के साथ। तो अब वक्त आ गया है अपने अंदर के हीरो को जगाने का, और हम चाहते हैं कि जितने भी यार एनिमे फैंस हैं सबके साथ आप इस बात को यार बताओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ला रहे हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हैम्पर्स, और हम लोग एक होस्ट कर रहे हैं कॉन्टेस्ट माय हीरो एकेडमिया के लिए उसी दिन जिस दिन ये रिलीज होने वाला है। तो यार मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि 2 साल से जो मैं यार एनिमे के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो फाइनली यार कार्टून नेटवर्क इंडिया ने उसे नोटिस किया और उसने मुझे मैसेज किया। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है अपने ऊपर, और ये सब सिर्फ यार पॉसिबल हो पाया है आपके सपोर्ट की वजह से। तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। इसके अलावा जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि कल मतलब कि 10 सितंबर से कार्टून नेटवर्क इंडिया पर एक न्यू एनिमे यार आ रहा है जिसका नाम होने वाला है माय हीरो एकेडमिया। ये 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आएगा, तो यार इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये यार डिफरेंस 5 languages में आने वाला है, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम। तो बिल्कुल भी इसे मिस मत करना, और कल शायद एक कोई कॉन्टेस्ट का भी यार अनाउंस होगा, तो जो भी यार अपडेट्स होंगे मैं सब आपको यार बता दूंगा। तो मेक श्योर कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। हमारा अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स इंडिया से लेकर। तो जोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का जो लाइव एक्शन मूवी है वो फाइनली अब हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। इसके अलावा जो कैसेलवेनिया का एनिमे है वो भी हिंदी डब के साथ रिलीज होगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स इंडिया पर अब स्ट्रीम हो रहा है गमेरा रिबर्थ। हमारा अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स से लेकर, नेटफ्लिक्स के हिंदी डब न्यू एनिमे से लेकर। तो द मेड आई हायर रिसेंटली इज मिस्टीरियस, ये एनिमे हिंदी डब के साथ शुरू होने वाला है 12 सितंबर से सुबह 8:30 बजे से। इसके अलावा जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के अब एपिसोड 19 से लेकर 21 तक अवेलेबल हैं क्रंचीरोल इंडिया पर, और इनको अब आप हिंदी डब के साथ देखकर मजा उठा सकते हो।
इसके अलावा रैंकिंग ऑफ किंग्स का एपिसोड 1 अब तमिल डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल इंडिया पर। हमारा अगला अपडेट है डिटेक्टिव कोनन से लेकर। तो डिटेक्टिव कोनन की जो मूवी है जिसका नाम है ब्लैक आयरन सबमरीन, तो ये वर्ल्ड वाइड ब्लूरे में रिलीज होने वाली है और ये रिलीज होने वाली है 29 नवंबर को। हमारा नेक्स्ट अपडेट है डिमोन स्लेयर सीजन 4 से लेकर। तो कंफर्म हो चुका है कि ये भी यार आने वाला है और ये आएगा स्प्रिंग 2024 में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 से लेकर। तो अब इसका एपिसोड 7 स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पर। हमारा अगला अपडेट है गोब्लिन स्लेयर 2 से लेकर। तो ये ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट होगा 6 अक्टूबर से और स्क्रीन पर आप इसका एक न्यू की विजुअल देख सकते हो। हमारा अगला अपडेट है फ्री रेन बियॉन्ड जर्नी एंड से लेकर। तो इस एनिमे का एक न्यू ईयर कैरेक्टर विजुअल बाहर आया है और ये शेड्यूल हुआ है 29 सितंबर के लिए और इसका जो एपिसोड 1 है वो 2 घंटे से भी ज़्यादा का होने वाला है और ये जो एनिमे है ये क्रंची रोल पर आएगा। इसके अलावा आवर लास्ट क्रूसेड ऑफ द राइज ऑफ द न्यू वर्ल्ड, इसका सीजन 2 अब पोस्टपोन्ड हो चुका है। पहले ये इसी साल 2023 में रिलीज होने वाला था लेकिन अब ये रिलीज होगा 2024 में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है जवान मूवी से लेकर। तो यार इसके बॉक्स ऑफिस ने तो यार तहलका मचा दिया। एक ही दिन में जवान मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 129.6 करोड़ रुपए का। मतलब सोच रहे हो एक ही दिन में 100 करोड़ से ज़्यादा इस फिल्म ने कमा लिया और मुझे लगता है कि अपने लाइफ टाइम में ये जो फिल्म है ये बिजनेस करने वाली है 500 से 600 करोड़ रुपए का। हमारा नेक्स्ट अपडेट है इंडिया की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बोला था कि ऐसा रूमर्स चल रहा है कि जो इंडिया है इसका नाम भारत कर दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था कि ऐसा होगा या नहीं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि क्या ये बात सच है। तो अनुराग ठाकुर जो कि यार इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, तो उनका एक इंटरव्यू आया था जहां पर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक रूमर है। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है केबीसी से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि केबीसी का न्यू सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में एक न्यू करोड़पति भी बन गए हैं और उनसे जब 7 करोड़ का सवाल पूछा गया तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। बट क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और साथ ही में आपको 4 ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे। आपको क्या लगता है इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें।